हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग में नया वैकेंसी आया है। ये वैकेंसी आया कि फूड कंपनी में निकल के आया है। मिल्क आपको पैकिंग करना पड़ेगा, इसकी सैलरी आपको बताएगा आगे चल के। व्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये जॉब कैसा अप्लाई करना है, क्या है बोल के, और कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन भी बताएगा आज इस व्लॉग में। तो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा ये जॉब कैसा अप्लाई करना है, क्या है बोल के। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट, जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो देखा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अभी भी, फ्यूचर में आगे चल के भी। आप देख सकते हैं कंपनी ऐसी है पैकिंग, ये है मिल्क कंपनी, लोगो देख सकते हैं। ये आके बलदाम मिल्क फूड कंपनी कतर है, पैकिंग काम करना है आपको। जो भी दूध का प्रोडक्ट है वो आपको पैक करना पड़ेगा। नए नवाज ड्यूटी है आपको, सैलरी आपको दिया जाएगा 1600 कतरी रियाल, मतलब इंडियन करेंसी पकड़ के चलो 34 to 35 thousand अराउंड अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। खाने का 200 अलग से दिया जाएगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 2 साल के बाद आप अप एंड डाउन आ जा सकते हैं। कंपनी का टिकट है, 60 days लीव है विथ पेड लीव है, और कंपनी का मेडिकल रहेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और हर दिन में 2 घंटा ओवर टाइम लाजमी, मतलब आपके 9 hours ड्यूटी होगा, 10-11 टोटल आप 11 hours करेंगे तो आपकी सैलरी 2000 plus 200 आ जाएगी, मतलब इंडियन करेंसी 45,000 तक आप आराम से कमा सकते हैं विदाउट फूड। फूड के लिए आपको अलग से 200 रियाल दे रहे हैं लोग खाने के लिए, तो नॉट एट ऑल इशू। आपको ये जॉब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स है, अपडेट CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो फुल साइज फोटोग्राफ, ECNR पासपोर्ट होल्डर से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका और इसका टोटल सर्विस चार्ज आ जाएगा आपको 1,35,000 इंक्लूडिंग वीजा मेडिकल सब, इसमें चेक टिकट भी सब कुछ मिला के आपको 1,35,000 इसका खर्चा आ जाएगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जिस किसी को ECNR पासपोर्ट होल्डर से, जो कोई 10 class सर्टिफिकेट के पासपोर्ट बना के वो जाना जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। घर के काम से करना भी अच्छा, कंपनी में अच्छा है। आप 2 साल के बाद जाके आएंगे तो आपको छुट्टी का पैसा देती है और टिकट देती है, और आप जब रिजाइन करें तो आपको ग्रेजुएटी भी आता है। जब आप घर में काम में जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलता, आप छुट्टी भी जाएंगे तो छुट्टी जाते में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, कभी कंपनी में जाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से कहिए, अच्छे से लाइफ लीड कीजिए। जो कोई भी इंटरेस्टेड है ये जो अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आके 9553612077, और मेल आईडी के shekthefrul@gmail.com। आपको दोनों भी डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है मेरे को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट कीजिए, एंड आल्सो 30,000 एडवांस में चाहिए मेरे को, उसके बाद आपका काम स्टार्ट करेगा। ECNR पासपोर्ट होल्डर जी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CV सिलेक्शन है। जो कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, हरी अप जल्दी कीजिए, बहुत सारे कम वैकेंसी है। जो कोई भी जाना चाहता है पैकिंग काम के लिए तो फटाक से अपना फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, नहीं तो मेल कीजिए, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप मेरे को कैश और पासपोर्ट सेंड करने के बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा ये पूरा प्रोसेस होने तक आपको 40 days लगते हैं, 40 days में आपका वीज़ा आ जाएगा, टिकट आ जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कोई इंटरेस्ट है कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के ब्लॉग में इतना है, आई होप आपको ब्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, बहुत जल्दी रिप्लाई करने कोशिश करेगा। मेरे को फेसबुक में, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मोर अपडेट भी देता रहता हूँ जॉब्स रिलेटेड। जो कोई मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं अपडेट देता रहता हूँ उधर पर। जो कोई भी नहीं पता है तो जाइए फॉलो कीजिए, यूज़र नेम आके शेख द फुल्ला फेसबुक पे, इंस्टा पे जाइए, सर्च बार में जाइए, यूज़र नेम टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, जाइए क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, मोर अपडेट्स भी देता रहता हूँ जॉब्स रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आपको ये ब्लॉग यूज़फुल होगा बोल के मैं दिल से उम्मीद कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना भी, इस चैनल का भी।